20 क्यों भाई हा? हम दोनों का कैंप एक ही गांव में लगना हा? इसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं ना। कलयुग है ना भाई, कोई किस्मत की बात नहीं है। ये मेरा गांव है। ओह, नेगेटिव प्लेस है ना। स्टार्ट करना। वाणी क्या है? तुम मुझे हमेशा गुस्से से क्यों देखती हो? क्योंकि प्यार से देखना नहीं चाहती, प्लीज। तुम्हारी नाराजगी तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से तुम्हें देखा है तुम मुझे भाग गई हो। उसके बाद जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई वो हालात तुम्हें नहीं पता। वाणी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। आई टोल यू, यू आर माय परफेक्ट मैच। शट अप। ओए, तू लवर बॉय की इमेज में जाकर अपनी स्ट्रेंथ भूल रहा है। जैसे अंदर बहुत स्ट्रेंथ छुपे हैं। यस, कॉमेडी की स्ट्रेंथ। आर यू श्योर? 100% श्योर। ओए, कॉमेडी करने से लड़कियां फट से पट जाती है। तो फिर संता बंता की जोक सुनाओ। वही तो ना, सिचुएशन के बिना कॉमेडी बनाएगा तो तू मजाक बन जाएगा। कॉमेडी को मजेदार बनाने के लिए एक बेवकूफ बकरे की जरूरत पड़ती है। मेरी तरफ मत देख, किसी और को ढूंढ। अपनी आंखें खोल और अपने आसपास देख। जिस इंसान को ढूंढ रहे हो ना, वो टिपिकल इंडियन होना चाहिए। Yes, this is the man. Om Bhurvasvah Tat Savitur Varenyam. अब तू देख मैं क्या करता हूँ। सुन यार, जरा उस गंवार इंसान को तो देखना। ऐसे लग रहा है जैसे थैले में पंचांग रखकर सारे संसार का भविष्य वो खुद जानता हो। कैसे लोग होते हैं। अपनी धोती तो संभाल नहीं पा रहा है, दूसरों का भविष्य क्या बताएगा। भाई, तुम्हारी ऐसी कॉमेडी पता कोई भी पढ़ सकती है। अब देख मैं उसे कैसे झटका देता हूँ। पंडित जी, मास्टर जरा यहाँ आइए। कौन? मैं? हाँ, आपको ही। आइए प्लीज। जरा देख तो बुड्ढा कितना खुश हो रहा है। देख रहा। नमस्ते। पापा यही बैठ जाइए। वो बच्चा मुझे बुला रहा था बेटी। आपको बस बस में बैठने के लिए बुलाया था। गाड़ी बंद हो गई। रोका। मेरी स्ट्रेंथ क्या है बेटा? कॉमेडी। कॉमेडी। मेरी और स्ट्रेंथ पता है तुझे? एक्शन। जितना मैं समझ रहा था यह केस उतना इजी नहीं है। अंदर क्या हुआ था सर? इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आइए सर। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ले जाओ इस बंद उस किताब को, हमारे घर में लगा ग्रहण हट जाएगा। ये उनकी माँ है, उनकी इस हालत की वजह ये किताब है और इस गांव के लोग। उनकी इस हरकत के लिए मैं माफी मांगती हूँ। सच तो ये है कि उन्होंने इस किताब को बड़ी ही मेहनत से लिखा था। अगर ये किताब आपके कुछ काम आती है तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। इसे ले जाइए। ले जाता हूँ। जरा ख्याल रखिएगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा इस किताब को। मैंने आपको किताब का ख्याल रखने के लिए नहीं कहा, आपको कहा। गाड़ी निकालो। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम पेट से है, 3 महीने से। ओ, अच्छा, आइए ना बैठिए। मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है। ये देखो, चाहे वोमिटिंग कितनी भी हो लेकिन खाना टाइम पर खाते रहना, क्योंकि तुम अभी जितना खाओगी फ्यूचर में बेबी उतना ही अच्छा रहेगा। बाबूजी, हम पैदा कराने नहीं आए हैं, मुसीबत को खत्म करने आए हैं। अरे, शहर का डॉक्टर स्कैन का 5,000 लिया और बताया कि लड़की है, गिराने के लिए 10,000 मांग रहा है। यहाँ तो फ्री है ना, इसीलिए आया हूँ। क्यों बहन, तुम्हें कोई एतराज है? ये गवार औरत क्या बोलेगी, आप गिरा दो। गिरा तो गिरा दो मत कहो, गिराने के लिए ये कोई सामान नहीं है, जान है, वो भी एक लड़की है। लड़की है इसीलिए तो गिराने को कह रहा हूँ। लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करते हो? लड़कों की तुलना में लड़कियों में क्या कमी है? अगर अच्छी तरह से पढ़ाओगे तो भविष्य संवारने वाली लड़कियां ही होती हैं, समझे? हमारी परेशानी आप क्या समझोगे? अगर तुम्हें इतनी परेशानी है ना, तो पैदा करना नहीं, साथ सोना छोड़ दो। ओए डॉक्टर। ओए, एक फोन कॉल ही काफी है तुझे और उस शहर के डॉक्टर को जेल में डालकर सड़ाने के लिए। जिंदगी भर जेल में ही पड़े रहना। करूं फोन? करूं? देखो बहन, इस गधे के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है अपने पैदा होने वाले बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी बिताओ। आज लड़कियां बस, कॉलेज, गलियों में सेफ नहीं है। अगर वो माँ के गर्भ में भी सेफ ना रहे तो कैसे होगा बहन?
ये सुधर गया तो ठीक, वरना छोड़ देना, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत से ज्यादा बच्ची को तुम्हारी जरूरत होगी। जाओ तुम, ये भी ले दीजिए। बेवकूफ इंसान, इस सीन से दोनों का काम हो गया। दोनों का? हाँ, एक तो उसका, हाँ, और दूसरा वहां देखो। हाँ? दक्षिण भारत एक समय द्रविड़ों का राज्य हुआ करता था। राज्य पर शासन करने वाले इसी प्रांत में रहा करते थे। तब के राजा कीर्ति वर्मा ने सुब्रमण्यम स्वामी के लिए उस समय एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद के निकलने के कुछ समय बाद मंदिर से रोशनी की तेज किरणें निकली। सभी गांववासी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें लगा कि साक्षात सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं अवतरित हुए हैं। ऐसा मानकर उस दिन से 21 दिनों तक वहां मेला लगाया जाता रहा और 21वें दिन सुब्रमण्यम षष्ठी पर भव्य पूजा करके मेला खत्म किया जाता था। इस तरह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात रोशनी का आना और षष्ठी तक मेला लगना एक परंपरा बन गई। राजा बदले, राज्य भी बदले। न जाने कितने मुगल, डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स ने वहां हमला किया, लेकिन मंदिर के संरक्षकों ने प्रतिवर्ष षष्ठी के दिन पूजा का विधान जारी रखा। मंदिर के अनुयायियों के ठहरने के लिए इस गांव में एक छोटा सा बंगला भी बनवाया गया। समय बदलता गया और मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। मंदिर में आ रहे दान और चढ़ावे को देखकर मंदिर को एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया और ऐसा पिछली बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को हुआ। क्या है? सॉरी सर, एक इमरजेंसी केस है। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए। इस बात के जड़ तक पहुंचना है तो उसी गांव में जाना होगा। डिस्टर्ब मत करो कार्तिक, एक बार कहा समझ में नहीं आया? ऐसा क्यों बोल रही हो वाणी? तो और क्या करूं, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हारी फीलिंग है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, ये मेरी फीलिंग है। तो उस दिन तुमने मुझे देखकर सुपर अमेजिंग ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे किए अच्छे काम की बड़ाई की थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी जगह पर इस गधे के लिए भी वही रिएक्शन होता। तू ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर, ओके? वाणी, वन सेकंड। कास्ट की प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे लिए मैंने चिकन खाना भी छोड़ दिया है। मेरा रास्ता छोड़ोगे प्लीज? वाणी, कांट यू गिव मी अ चांस? हिंदी नहीं आती? क्या हुआ यार? उसने ऐसा ऐसा किया तो मुझे लगा ऊपर वाला मेहरबान हुआ, लेकिन जब इसने जाकर पूछा तो असलियत का पता चल गया। तूने कहा था वो तैयार है, अब नौटंकी करता है। ए, तू पैक बना बे। शांति से एक पैक पीकर सोने की सोच रहा था। आप कहाँ जा रहे? दारू लेने। अरे टाइम का तो थोड़ा ख्याल रख। हम डॉक्टर्स है ना, दिन में दारू पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आधे समय बिरयानी ले आना। अरे आराम से, आराम से। अच्छा, क्या था? कौन है ये? ये तो ताबीज वाला है रे। इधर आबे, इस समय यहाँ क्या कर रहा? क्यों अंदर नहीं है क्या? हम लोगों को खुले में अच्छा लगता है। तेरी तो अंदर क्यों नहीं जाता? यहाँ पे दारू कहाँ मिलेगी? हमारे गांव में तो मुश्किल है। तो फिर पड़ोस के गांव में चलते हैं, वहाँ जाना तो और भी मुश्किल है। हाँ
रुको ना। क्या हुआ? दो नंबर जाना है। रुक जाना थोड़ी देर, पेट ऊपर नीचे हो रहा था इसलिए दो नंबर लग गई। अरे बाप रे। चल चल फटाफट। थैंक्स साहब। अरे जा रहा है यार। अरे सुनना, उसे तो बड़ा मुझे ये ब्रिज लग रहा है। जल्दी आना भाई। वो उधर ब्रिज पर क्यों चढ़ रहा है? कहीं उस पर चढ़कर तो नहीं करेगा गधा कहीं का? भाई तुझे भी लगी है क्या? वन वाली। जा तू चलना साथ। लगता है दारू उतर गई इसलिए डर बढ़ गया। जाके कर क्या? क्या यार इतना दारू पिया सुसु नहीं आ रही है। ठीक है जाके आता हूँ। कुछ जानते हैं? कोई विटनेस था इस? बताइए ना। पता चला सर, आप यहाँ पर थे? सर एक ही सवाल सर, बताइए ना। सर एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, इस पुलिस ऑफिसर को आप पहले से जानते हैं? एक केस के सिलसिले में हमारे ऑफिस आए थे। उनके बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही सिंसियर ऑफिसर थे, लेकिन ये देखने के बाद सिंसियर होने के साथ साथ स्टूपिड थे ये बात अब पता चली। बात यह है कि मैं किसी से ये नहीं कहता कि भगवान है और उस पर भरोसा करो, लेकिन कुछ सीरियस ऑफेंसिव इंसिडेंट्स होने के बावजूद अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो संभल के तो रह सकते हैं, वरना होगा क्या? इसी तरह की मौतें होंगी। सो पिटी टू लूज एन एफिशिएंट ऑफिसर। बस आगे से कभी ऐसा दोबारा ना हो, उससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। आप मीडिया द्वारा इस बात की अवेयरनेस फैलाइए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। मंदिर किस तरफ है? इस तरफ है सर। अब इस समस्या का समाधान निकालो स्वामी।